जहां एक तरफ वार पलटवार का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले ही विपक्ष के नेताओं की बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जहां गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी समर्थक दलों के बीच सहमति की कोशिशें भी हो रही हैं, तो वही चुनाव प्रचार के बीच मायावती का अंबेडकर नगर सीट लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कहकर सियासी संकेत दिए जाने कुछ अहम बात कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती साफ कह चुकी हैं कि अगर उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो वो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर सीट से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि इस पद से एक और दावेदार बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी मायावती की इस महत्वाकांक्षा से ज्यादा खुश नहीं हो सकते। खबर ये भी है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव वोटिंग खत्म होने से पहले दिल्ली में होने वाली मीटिंग को टाल सकते हैं। इस मीटिंग का नेतृत्व कांग्रेस के द्वारा किया जाना है। सूत्रों का कहना है कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू बीते हफ्ते बंगाल गए थे और उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की थी, लेकिन जब उन्होंने मीटिंग के बारे में बात की तो ममता ने उनसे कहा कि जब तक 23 मई के नतीजे नहीं आ जाते तब तक मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है। मायावती की तरफ से भी नकारात्मक जवाब ही मिला। प्रधानमंत्री पद की रेस में अगर मायावती और ममता बनर्जी की बात करें तो भले ममता बनर्जी ने गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी का नारा देकर बाकी दलों का नेता बनने की कोशिश की हो, लेकिन अब मायावती भी सधे पांव समीकरणों को साधने में जुटी। मायावती के लिए समर्थन भी बढ़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में एचडी देवगौड़ा की पार्टी जनता दल सेकुलर के साथ गठबंधन किया था और फायदा ये रहा कि उनके कोर वोटरों ने जेडीएस का भरपूर साथ दिया। साथ ही बहुजन समाज पार्टी एक सीट निकालने में कामयाब हो गई। कर्नाटक का सीएम बनते ही कुमारस्वामी ने कहा कि हालात बनने पर वो प्रधानमंत्री पद के लिए मायावती का समर्थन करे। इसके बाद हरियाणा के एक और कद्दावर नेता अभय चौटाला ने भी मायावती को समर्थन की बात कही। अगर एनडीए यूपीए को बहुमत के आसपास सीटें नहीं मिलती हैं तो कांग्रेस अन्य दलों जो यूपीए के साथ नहीं है उनको साथ लेकर देश का पहला दलित पीएम बनाने के लिए मायावती को समर्थन दे सकती है। कांग्रेस को दलित वोटरों का दिल जीतने का मौका भी मिल जाएगा। वैसे भी कांग्रेस नेता सीना ठोक कर कहते हैं कि उनकी पार्टी ने ही सबसे पहले किसी दलित को कमान सौंपी थी। पहले दलित राष्ट्रपति के आर नारायण बनाए गए, वहीं फिर दलित महिला स्पीकर मीरा कुमार को बनाया। सुशील कुमार शिंदे देश के पहले दलित गृह मंत्री बने और कांग्रेस के कार्यकाल में ही देश के पहले दलित प्रधान न्यायाधीश जस्टिस केजी बालाकृष्णन बने। मायावती के पास कम से कम 18 राज्यों से ठीक ठाक समर्थन है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में उनके पास इतना तो वोट है जो किसी भी गठबंधन को फायदा पहुंचा सकता है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की पहुंच अभी उत्तर पूर्वी राज्यों में नहीं हुई है, लेकिन मायावती के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए समीकरण ही नहीं अंकगणित भी बहुत कुछ तय करेंगे। एनडीए अगर 240 के आसपास सिमट जाएगी तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की 50 सीटें आती तो हो सकता है कि यूपीए और अन्य दल मिलकर एक मायावती की अगुवाई में नई सरकार बना लें। लेकिन उस परिस्थिति में यूपीए को 100 और अन्य के पास 150 सीटें होनी चाहिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस ने सरकार जरूर बनाई है, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों के समर्थन से ही सत्ता में टिकी। अगर हालात बनने के बाद कांग्रेस मायावती का समर्थन नहीं करती है तो बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो इन दोनों ही सरकारों को अस्थिर करने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। एनडीए को कुल 200 सीटें अगर आती हैं तो यूपी में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन 50 सीटें जीतता है तो इस परिस्थिति में बीजेपी भी कांग्रेस को किसी भी कीमत पर रोकने के लिए मायावती को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे सकती है। हालांकि ऐसी सरकार कितने दिन तक चलेगी इसका आकलन भी पुराने इतिहास से ही तय किया जा सकता है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।